अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवाब अब्बास वीडियोज़। आज हम पानीनाथ बैराज पे आए हुए हैं। मौसम खुशगवार है और एतवार का दिन है, तो बच्चों को घुमाने फिराने भी ले हैं और हमने सोचा व्लॉग भी कर लेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं और हल्की हल्की फुहार आ रही है। पानीनाथ बैराज पे हम ठहरे हुए हैं। इससे तीन नहरें भी निकाली गई हैं, जिसमें एक पानीनाथ किनाल है, दूसरी अब्बासिया किनाल है और एक अब्बासिया किनाल लिंक वन है। तो पहले ये हेड था, फिर इसको तौसी दी गई थी, तीन इसके गेट बढ़ाए गए थे और माशाल्लाह पानी गुजारने की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। इसकी मुरम्मत का काम भी दो तीन साल होता रहा है, अब माशाल्लाह इसको रिन्यू किया गया है, ठीक है। ट्रैफिक की जाना रवाना ये तकरीबन चार उसूबों के संगम पे है, क्योंकि पेशावर से जाने वाली ट्रैफिक भी यहीं से गुज़रती है और कराची जाने वाली ट्रैफिक भी यहीं से गुज़रती है। तो हम जाना इसकी सैर भी कर रहे हैं और व्लॉग भी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम खुशगवार है। हालांकि गर्मियों के दिन हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है मौसम खुशगवार होने की वजह से। काफ़ी सारे फैमिलीज़ भी आए हुए हैं और उसके अलावा चारों सूबों की तरफ जाने वाले लोग भी सफ़र कर रहे हैं। ट्रैफिक को आप देख सकते हैं, ट्रैफिक भी रवान दवा है और ये हमारे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है, इसलिए हमारे लिए इधर आना कोई मुश्किल मसला नहीं होता। कभी कभी हम स्कूल का ट्रिप भी यहाँ पे ले आते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं, अल्लाह के नाम लेते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है जिसका पहला नाम रिवर व्यू था, अब शनवारी शायगान होटल है। तो उस पर भी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं वो लोग, खाने पीने के लोग तो वैसे शौकीन हैं पाकिस्तान में और खा पे हमेशा पाकिस्तान में आबाद रहते हैं, तो बहुत जो है ना यहाँ पे इंजॉय करते हैं। यहाँ 40 के करीब दरें हैं, उधर आप देख रहे हैं कि नहर भी चल रही है जो के पानीनाथ किनाल है, पानी बहुत रवानी से जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, ड्राइवर हजरात भी यहाँ पे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मछली के बहुत से पॉइंट हैं, यहाँ की मछली बड़ी मशहूर है, खसूसन चाचा गुलाम हैदर की बनाई हुई मछली, बड़े छोटे सब महजूद होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मछली बनाते हैं, मछली के पकोड़े बनाते हैं, फ्राई फिश भी होते हैं, सीधी भी होते हैं मछली की। तो बहरहाल आपका भी कभी इधर का चक्कर लगे तो हेड पे आप इंजॉय ज़रूर करें। अगर आप अपनी ज़ाती सवारी पे हैं तो अपनी फैमिली के लिए आधा घंटा घंटा यहाँ पे आपको ज़रूर रुकना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। इन बातों के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें।